हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 पे। चैनल पे नए हैं तो लेटेस्ट जो अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। ये अपडेट है दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड को लेकर, फॉर्म के करेक्ट करने को लेकर। बिहार सचिवालय सहायक भर्ती भी इसमें शामिल है, जहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म इसका भरा है और एक अच्छी बड़ी वैकेंसी है बिहार के छात्रों के लिए। और लाखों अभ्यर्थियों ने, करीब 12 से 13 लाख अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को भरे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि फॉर्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छात्र गलती कर बैठा है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट करेंगे। जो भी मेरे भाई बंधु बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल YT एजुकेशन जाके सब्सक्राइब कीजिए और उसका टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको क्यूजेस वगैरह कराए जा रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह कराए जा रहे हैं चैनल पे, तो आप लोग जाके अटेंड करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे वहां से और फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी तैयारी को आगे लेकर चलेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल की तरफ से आई हुई एडवर्टीजमेंट संख्या 1/2022 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन दोस्तों थर्ड ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड एग्जाम को लेकर है, जिसमें कि फॉर्म में हुई गलतियों के सुधार को लेकर है। इसके लिए आपको एक फॉर्म भी दिया गया है, जिस फॉर्म को आपको भर के बिहार एसएससी सीजीएल में भेजना है। यानी कि देखिए, ये ऑनलाइन सुधार नहीं है, ये आपको ऑफलाइन सुधार है। और साथ ही साथ इसको जो फॉर्म में सुधार करने को लेकर आपने डेटा यहाँ पे डालेंगे, उस डेटा को वहाँ पे अपलोड भी करना है बिहार एसएससी की वेबसाइट पे। आइए इसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसके फॉर्म को कैसे भरना है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस नोटिफिकेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पे आवश्यक सूचना है आप सभी छात्रों के लिए, और ये 19 तारीख के डेट में अपडेट किया गया था कल ही, और लेकिन इसको आज इसको पब्लिश किया गया। यहाँ पे तृतीय स्नातक जो है आपका एग्जाम है सीजीएल स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन जो है आपका 14 अप्रैल से लेकर 1 जून तक प्राप्त किया गया है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों में से कतिपय अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों को लेकर, यहाँ पे दृष्टिगत यहाँ पे त्रुटि परिमार्जन हेतु आयोग जो है कार्यालय में अभियोजन समर्पित किया गया है। बहुत सारे छात्र जाके वहाँ पे अधियाचना किए थे कि सर हमारे फॉर्म में गलतियाँ हुई हैं, और एक दो नहीं करीब लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं, चूँकि इस फॉर्म को भरने वाले 13 लाख अभ्यर्थी हैं, तो फॉर्म को भरने समय गलती हुई है, तो लाखों अभ्यर्थियों से गलती हुई है, तो इसको सुधार का यहाँ पे मौका मांग रहे थे। तो यहाँ पे आयोग जो है कार्यालय में प्राप्त जो अभियोजन है इनका, उनको समीक्षा किया, और उसके उपरांत जो है आयोग द्वारा यहाँ पे विचार किया गया और निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि ऑनलाइन आवेदन भरने में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां किए हैं, जिसको लेकर यहाँ पे एक अवसर दिया जाए और उनके आवेदन पत्र के आलोक में नियमानुसार वंचित सुधार किया जाए। तो ये सुधार करने के लिए आपको एक मौका दिया जा रहा है। देखिए आगे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है सुधार हैं, जैसे कि बहुत सारे का कहना है कि मैंने जो फोटो डाला है उसका बैकग्राउंड ब्लू डाल दिया है और उसको फोटो को अपलोड कर दिया है, जहाँ पे मांगा गया था आपसे व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो, तो आपने अगर व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो डाला है तो उसको बदलिएगा मत, लेकिन जिसका ब्लू बैकग्राउंड में वो क्या करेगा छात्र, क्योंकि इसमें यहाँ पे सारी चीजें पूछी जा रही है, उसको आपको बताना है। यहाँ पे मैं आप ये सब डिस्कस करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बस देखिए, ये एक सुनहरा अवसर है और बिहार एसएससी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इस चीज को सुधारने को लेकर, क्योंकि यहाँ पे लाखों अभ्यर्थियों की चर्चा हो रही है और उनकी गलतियों को सुधार करने का एक मौका यहाँ पे आयोग दे रहा है। लेकिन अब कोई गलती मत कर बैठिएगा, ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित वाले अभ्यर्थी जो है, ये जो ये फॉर्म भरे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म छूट गया उनका वो फॉर्म भरेंगे यहाँ पे। अब तब उनको सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की त्रुटि या भूल कर दी है, वे त्रुटि जो है आपका परिमार्जन किया गया है, भूल सुधारने हेतु यहाँ पे आयोग के वेबसाइट पर, या ये दो वेबसाइट का लिंक दिया गया है यहाँ पे, इसका उपयोग करके आपको निम्न प्रकार से आवेदन दे सकते हैं। अब देखिए, ये तो ऑनलाइन सुधार करना है और साथ ही साथ ऑफलाइन भी आपको एक फॉर्म भर के आयोग के कार्यालय में भेजना है। अभ्यर्थी आवेदन के विहित प्रपत्र के आयोग में वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे इस वेबसाइट पे या फिर इस वेबसाइट पे, और वहां से डाउनलोड करेंगे आपको एक फॉर्म, जो कि इसके सुधार हेतु अनुरोध लिखते हुए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन जो है दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन जो भी छात्र किया है ऑनलाइन आवेदन, जिस कॉलम में त्रुटि है या गलती हुई हो उस कॉलम में आपको लाल इंक से या लाल कलम से घेरा कर देगा, है ना, घेरा कर देना आपको। ये ध्यान रखिएगा, आपका ऑनलाइन जो अपने फॉर्म भरा था
उस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, जो कि आपको रिसीविंग कहते हैं उसको, मतलब कि आपने फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो वो मिला होगा आपको, आउटपुट आप लोगों ने निकाला होगा, तो उसका एक फोटो कॉपी करा लीजिएगा। उस कॉलम में जो भी आपने गलती की है उसको क्या करना है, लाल इंक से कलम से उसको क्या करना है, घेरा कर देना है, इसी तरह से, इस तरह से घेरा कर दीजिएगा, ठीक है। और आवेदन के विहित प्रपत्र में इसके सुधार हेतु प्रविष्टि करेंगे, और जो भी गलती हुई है और उसके क्या सुधार है, आपने क्या सुधारना चाहते हैं वो बताएंगे वहां पे। किसी भी कॉलम में वंचित यहाँ पे सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में संबंधित प्रमाण पत्र देने होंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई छात्र का यहाँ पे कैटेगरी मिसमैच वाला बात हो जाता है, जैसे कि वो ईबीसी कैटेगरी से है और उसने बीसी कैटेगरी से फॉर्म भर दिया है, तो आप जो है अगर बीसी कैटेगरी से या ईबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र जो कि आप लोग बनवाए होंगे, है ना, तो वो आपको दे देना होगा यहाँ पे। उसका भी फोटोकॉपी क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, स्व अभिप्रमाणित करके उसका फोटोकॉपी जो है आवेदन के साथ संलग्न करना है, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि आपने आपका फादर नेम गलती कर दिए, तो फादर नेम गलती कहाँ सुधार होगा, तो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे फादर नेम होता है, ठीक है, तो वो फोटोकॉपी वहां पे लगा देंगे और वहां पे जो गलती हुई है उसको यहाँ से घेरा कर देंगे अपने फॉर्म में। और उसका भी आप जैसे 1, 2, 3, 4 कितनी भी त्रुटियां हैं आपकी यहाँ पे, उनको यहाँ पे सुधार करके घेरा करके और उसका जो है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके उसके साथ छाया प्रति उसका लगा देना है। समझ गए चीजों को क्या करना है, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा सारी चीजें। अच्छा, इसके बाद दोस्तों साक्ष्य संलग्न नहीं किए जाने पर जो आपका सुधार है वो वंचित ही रह जाएगा और आवेदन पत्र का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से अब की बार गलती मत कीजिएगा, आखिरी मौका मिल रहा है आपको। और आवेदन का विहित प्रपत्र वंचित सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में संलग्न प्रमाण पत्र जो है कागजात जो भी है उसका छाया प्रति ऑनलाइन फॉर्म के छाया प्रति को स्कैन करते हुए आयोग के वेबसाइट पर भी डालना है। अब जो फॉर्म भर लीजिएगा वो जो फॉर्म है ये देखिए, मैं आपको फॉर्म एक बार एक झलक दिखला देता हूँ। इस फॉर्म को भरना है आपको, है ना, इस कॉलम में और इस कॉलम में और इस कॉलम में आपको सारी चीजें डालनी है और इसका फॉर्म को भर के और इसका फोटो स्कैन निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसको और साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट सुधार वाला चीज है उसको आपको क्या करना है, यहाँ से बिहार वेबसाइट के उस पर डालना है, ठीक है, बिहार एससी की वेबसाइट पे डालना आपको, ठीक है, अपलोड कर देना है। कब से कब तक, तो ये डेट मेंशन किया गया है 22 से लेकर 29 जुलाई तक, 22 से लेकर 29 जुलाई तक, ये डेट याद रखिएगा। इसी डेट के बीच में ये सारे काम कर लेने हैं आपको, मतलब कि 7 दिन का पूरा समय मिल रहा है। और अपलोड करेंगे और अभ्यर्थी उपरोक्त सभी कागजात जो है स्पीड पोस्ट से आपको क्या करना है, डाक के माध्यम से इस प्रकार भेजना है कि सुनिश्चित करना है आपको कि 5 अगस्त 2022 के कार्यकाल अवधि तक आपके कार्यालय में पहुंच जाए। ये काम तो आपको 29 जुलाई तक कर लेना है और 5 अगस्त तक आपको क्या करना है, कार्यालय में पहुंच जाए, उससे पहले भेज देना है। तो 22 से ही अपना काम शुरू कर दीजिएगा भाई, इसमें ज्यादा समय मत लगाइएगा, जो भी सुधार करवाना होगा। अब अभ्यर्थियों का यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे और फॉर्म नंबर है, जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, इसमें सुधार संबंधी आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, ये जो आप लोगों ने अगर गलती डाला है या फिर ये गलती डाल दी फॉर्म नंबर या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, तो इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। इस कॉलम में आप लोग अपरिवर्तनीय रहेंगे, जो डाला है वही डाला रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा साक्ष्य सहित विहित प्रपत्र में समर्पित आवेदन पत्र पर आयोग स्तर से नियमानुसार आवश्यक सुधार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सुधार हेतु आवेदन पत्र का नमूना यानी कि जो स्पेसिमेन है वो संलग्न किया गया है, इसी कागजात में देख लीजिएगा और उसको बताया भी गया है। और इसके लिए आप लोग बिहार एससी की वेबसाइट पर सतत आते रहेंगे, जिसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब ये वो जो है नमूना दिया गया है, लेकिन ये फॉर्म भी आपको अलग से अटैच करके दिया गया है, पर ये नमूना देख लीजिए कि यही आपको नमूना कैसे भरना है फॉर्म को। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेवा में सचिव को लिखना है, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, ये चीज सारी चीजें लिखी हुई है। बिहार में यहाँ पे स्नातक स्तरीय पद हेतु आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है 2022 में मेरे द्वारा भेजे गए आवेदन में त्रुटि की सुधार करवाने के संबंध में इस विषय पे आप लोग यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं। वहां से आपका सविनय निवेदन यहाँ पे है कि मैं राहुल कुमार जो भी आप हैं, है ना, आपका अपना नाम यहाँ पे डालना होगा इस फॉर्म में, जैसा कि यहाँ पे ये जगह खाली छोड़ा गया है ना, यहाँ पे खाली छोड़ा गया है। आपके पिता का नाम, जो भी आपके पिता का नाम है, जो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, है ना, आप जो रजिस्ट्रेशन किया है, पंजीकरण संख्या आपका मिला होगा आपके रिसीविंग पे, और अपना एड्रेस जो कि आपका एड्रेस है, ठीक है, क्या निवासी हूँ, मेरे द्वारा विषयांकित परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ निम्न कॉलम में त्रुटियां हुई हैं,
जिसके विवरण मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे दे रहा हूँ। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे जो भी आपके मतलब गलतियां हुई हैं इस कॉलम में वन बाई वन करके भर दीजिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये जो है परफॉर्मर पे ही देख लीजिए आप, जैसे कि आपका नाम में कोई गलती हुआ है ना, जैसे कि नाम में गलती हुआ है तो नेम लिख दीजिएगा, नेम वाले कॉलम में गलती हुई है, राहेल लिख दिया राहुल की जगह, या फिर स्पेलिंग कुछ मिस्टेक आपने किया हो तो उसको मिला लीजिएगा, और अपना जो सर्टिफिकेट है टेंथ का उसमें उसको अटैच भी करना है, जो भी वहाँ पे साथ छाप दे रहे हैं एज ए प्रूफ आप दे रहे हैं जो, उसका भी फोटोकॉपी उसमें संलग्न करके सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है। और ये आपका सही जो है आपने जो सही करवाना है आपके फॉर्म में वो चीज़ें लिखिएगा। फादर नेम में गलती है तो यहाँ पे फादर्स नेम वाला कॉलम का नाम लिख दीजिएगा। DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ में आपका जो गलती है तो डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे कॉलम नंबर कॉलम का जो नाम है वो लिख दीजिएगा। या फिर अगर आपने कैटेगरी मिसमैच कुछ किया है यहाँ पे तो आपने कैटेगरी यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगर आपका फोटो का बैकग्राउंड है ना, फोटो का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू रह गया हो और आपको व्हाइट वहाँ पे डालना था तो ये भी लिख दीजिएगा, फोटो वाला कॉलम है ना, फोटो और सिग्नेचर वाला कॉलम, ध्यान रखिएगा इस बात को, ध्यान सुनिएगा। और यहाँ पे लिखिएगा कि जो फोटो है वो आपको साथ में क्या है, संबंधित फोटो जो है संलग्न किया गया, ठीक है। और यहाँ पे वंचित सुधार जो है ये क्या है, तो ये त्रुटि है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हमने अपना जो बैकग्राउंड फोटो जो है ब्लू डाल दिया है और ये व्हाइट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे तो ये आपको बताना होगा कि ब्लू बैकग्राउंड के साथ हमने अपना फोटो संलग्न किया था, तो यहाँ पे अब जो है व्हाइट फोटो जो है आपको डालना है, ठीक है। यानी कि सफेद फोटो, सफेद बैकग्राउंड फोटो जो है हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो इस फोटो को साथ में अटैच करना है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, जब आपका वेबसाइट पे 22 तारीख से अपलोड करने को बोला जाएगा तो उस समय भी आपको मौका मिलेगा, हो सकता है ना, इट मे बी, मैं अभी श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि फोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करने का यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन अगर वो चीजें ओपन होगी तो हो सकता है कि फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने का मौका दिया जाए, है ना। अभी इस चीज का सियोरिटी यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अपना ये जो भरिएगा 22 तारीख को सारा डिटेल क्लियर हो जाएगा कि आपका बैकग्राउंड जो है फोटो का चेंज हो सकता है या वही फोटो चलेगा, वो भी चीजें बता दी जाएंगी आपको, अभी वेबसाइट पे आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा या कोई नोटिस भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अपने जो है त्रुटियां यहाँ पे लिखेंगे और इसको सुधार क्या किया है वो लिखेंगे और उसमें जो उससे साक्ष्य प्रूफ है उसका वो आपको अटैच करके भेजना है। अब ये जो है आपको बता दें कि उक्त कॉलम में अंकित जो त्रुटियां हैं ये वंचित सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में प्रमाण संलग्न करते हैं, यानी कि आपको प्रमाण भेजना होगा साथ में अटैच करके। अतः अनुरोध है कि त्रुटि में वंचित सुधार के लिए करने की कृपा की जाए और आप अपना नाम यहाँ पे देंगे और पता दे देंगे यहाँ पे, है ना, जैसे कि और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे, पंजीकरण संख्या जो है और मोबाइल नंबर अपना दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये इस तरह से ही आपको इस फॉर्म में करना है, ठीक है, अपना नाम, अपना पिता का नाम, अपना पंजीकरण संख्या, अपना पता यहाँ भी लिखना है और साथ में क्या 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 सुधार करवाना चाहते हैं और कौन से कॉलम में सुधार होना वाला है, कॉलम का नाम दीजिएगा, क्या गलती किया आपने, है ना, और यहाँ पे क्या सुधार होना चाहता है उसके लिए आप उसका जो प्रूफ है वो अटैच कर देना है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 कितनी भी गलती हो यहाँ पे आपको जितने कॉलम दिए गए हैं उसके सुधार को लेकर, यहाँ पे अपना जो है नाम, हस्ताक्षर, आवेदक का हस्ताक्षर, आपका नाम, आपका पंजीकरण और आपका मोबाइल नंबर ये जरूर डालना है और इसको क्या करना है उस प्रूफ वाले पेपर के साथ अटैच करके इसको भेज देना है जी बिहार SSC कर्मचारी चयन आयोग पटना, ये आपको ध्यान से रखिएगा, इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। और आपको जो है ये जो परफॉर्मा दिया गया है यहाँ पे, इस परफॉर्मे को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस एड्रेस पे आपको ये सारा डिटेल भेजना है, है ना, ये परफॉर्मे पे जो दिया गया है आपको एड्रेस, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, वेटनरी कॉलेज पटना 14, यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको भेज देना है स्पीड पोस्ट से। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि जो 22 तारीख से लेकर और आपका जो 29 तारीख तक ये वेबसाइट पे लिंक एक्टिव होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ भी अपलोड करना है ये जो आपका परफॉर्मा है, ठीक है, इसको स्कैन करके रख लीजिएगा और इसको स्कैन करके फिर पहले इस पे डालिएगा वेबसाइट पे और फिर उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है स्कैन करते हुए आयोग के वेबसाइट पे भी अपलोड करना है और इसको भेजना भी है आपको, कब से कब तक, तो 5 अगस्त 2022 से पहले की अवधि से भेज देना है, मतलब कि 29 तक ये सुधार होगा वेबसाइट पे और 5 अगस्त तक आपका डॉक्यूमेंट जो है कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए और इसका सुनिश्चित करेंगे आप,
तो ये जो है सारा डिटेल हमने आपको यहाँ से बताया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, मैं सिर्फ एक ही डाउट आपका यहाँ पे डाउट रखना चाहता हूँ कि फोटो को लेकर जो बैकग्राउंड फोटो ब्लू डाल दिए हैं या ब्लैक डाल दिए हैं, जो कि व्हाइट होना चाहिए बैकग्राउंड फोटोग्राफ का, तो इसको लेकर जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है वो दिया जाएगा जब 22 तारीख को, तो उसमें आपको सारा डिटेल जो है देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, कि आप फोटो वहां पे बदल सकते हैं या फिर आप इसी परफॉर्म में लिख कर भेज दीजिए, और फोटो हो सकता है कि आपके जब एडमिट कार्ड आएगा तो भाई उस समय भी चेंज हो जाएगा, चिपका के ले जाना होगा एक फोटो, जो कि तत्काल फोटो का एग्जाम के टाइम पे ये ध्यान रखिएगा, वो समय हो जाता है, फोटो से ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है दोस्तों जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आप इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि सारा डिटेल जो है उन तक भी पहुंचाया जा सके। जय हिंद।